Good morning, students. Welcome to your science class. Today we will study about the movement in animals. Okay, different animals, different movements. So we will see today. Okay, now first is earthworm. An earthworm has a long tube-like body. The body is made up of many rings or segments joined end to end. See here, this is the body of earthworm. This has a long tube-like body, okay, and it is made up of many rings or segments joined together end to end. It has no bones. Earthworm ki bones nahi hoti hain, okay. Muscles present in the body wall help the body to elongate and shorten. Muscles jo hoti hain, jo body mein jo hoti hain, ye hi isko help karti hain body ko lamba hone ke liye, elongate karne ke liye aur short karne ke liye. Muscles ko wo contract bhi kar sakta hai aur usko सिकुड़ भी सकता है. ओके, द बॉडी शेप इज मेंटेन बाय अ फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी. बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो इसकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, इट बॉडी शेप इज मेंटेन बाय अ फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी. सच अ स्केलेटन इज कॉल्ड अ लिक्विड स्केलेटन. इसको बोलते हैं लिक्विड स्केलेटन. ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड्स द फ्रंट पार्ट. मूवमेंट के दौरान क्या होता है, अर्थवर्म क्या करता है, पहले अपने फ्रंट वाले पार्ट को एक्सटेंड करता है. ओके, कीपिंग द रिमेनिंग पार्ट पीछे. पीछे वाला पार्ट पीछे रखता है, आगे वाले को मूव करता है. ऑफ द बॉडी फिक्स टू द ग्राउंड. ओके, बॉडी रेस्ट बॉडी वो फिक्स करता है. ओके, हाउ देन इट फिक्सेस द फ्रंट पार्ट. उसके बाद क्या करेगा, ये फ्रंट पार्ट को फिक्स करेगा ज़मीन पे, फिर ये पीछे वाले बॉडी को आगे ले जाएगा एंड रिलीजेस द रियर पार्ट. ठीक है, पीछे आगे वाले को फिक्स करेगा, फिर पीछे वाले को ले जाएगा, फिर क्या करेगा, फिर ये आगे वाली को बढ़ाएगा, पीछे को फिक्स करेगा. ऐसे अर्थवर्म ऐसे मूव करता है. ठीक है, देन इट फिक्सेस द फ्रंट पार्ट एंड मूव द बैक पार्ट. इट देन शॉर्टन्स द बॉडी एंड पुल्स द रियर पार्ट फॉरवर्ड. उसके बाद ये क्या करता है, उसके बाद ये बॉडी को शॉर्ट करता है और फिर क्या करता है, पीछे वाले पार्ट को आगे खींचता है. इन दिस मैनर अर्थवर्म मूव करता है आगे. सच मूवमेंट्स इन्वॉल्व रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शंस. ऐसे जो मूवमेंट होते हैं ये रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शंस को इन्वॉल्व करते हैं. मतलब कॉन्ट्रैक्शन बार बार होता है और एक्सपेंशन भी मसल्स का बार बार होता है. इन द सॉइल, मिट्टी में क्या होता है, द बॉडी सिक्रेट्स अ स्लिमी सब्सटेंस विच हेल्प्स इन मूवमेंट. ठीक है, सॉइल में क्या होता है, इसकी बॉडी जो है एक स्लिमी सब्सटेंस को छोड़ता है जो इसके मूवमेंट में हेल्प करता है. ड्यूरिंग मूवमेंट, मूवमेंट के दौरान क्या होता है, एनिमल इज एबल टू कीप इट्स ग्रिप ऑन द ग्राउंड. इसमें ये होता है कि ये कैपेबिलिटी होती है कि ये जो है अपने आप को मूवमेंट के दौरान ज़मीन पे स्टेबल रख सकता है, ज़मीन पे स्टिक करके रख सकता है, ग्रिप करके रख सकता है, पकड़ के रख सकता है ग्रिप, क्योंकि इसमें के अंदर जो है नंबर ऑफ माइन्यूट हेयर लाइक ब्रिसल्स होते हैं ऑन द अंडर सर्फेस ऑफ द बॉडी. बॉडी के सर्फेस के नीचे इसके माइन्यूट हेयर लाइक ब्रिसल्स होते हैं जो इसको ग्रिप करने में ज़मीन पे आराम देते हैं, हेल्प करते हैं. द ब्रिसल्स आर कनेक्टेड टू द मसल्स. अभी जो ब्रिसल्स होते हैं ये बॉडी में कनेक्टेड मसल्स में कनेक्टेड होते हैं. ओके, now we will study about the movement in snail, how snail moves. A snail is a very slow moving animal. Snail kaun hai, snail bahut zyada slow moving animal hai, ye bahut slow move karta hai. Okay, having a rounded structure called the shell on its back. iske upar back pe kya hota hai, ek shell hota hai, sheep ke jaisa ek shell hoti hai, dekhiye. ठीक है, द शेल इज़ द आउटर स्केलेटन. शेल जो है ये इसका आउटर स्केलेटन है और ये बोन्स का नहीं बना होता है. इट डज़ नॉट टेक पार्ट इन मूवमेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड कैन नॉट मूव बाई इट सेल्फ. ये क्या होता है, ये शेल खुद से नहीं मूव कर सकता है. ठीक है, प्लेस टू प्लेस नहीं मूव कर सकता है एंड कैन नॉट मूव बाई इट सेल्फ. स्नेल्स ऑल्सो हैव अ पेयर ऑफ टेंटिकल्स. स्नेल्स में क्या होते हैं, पेयर ऑफ टेंटिकल्स भी होते हैं विच बियर आइज एट द टिप्स. ये देखिए यहाँ पे हैं, ये स्मॉल टेंटिकल्स हैं यहाँ पे विच बियर अ आई. इसमें आइज भी होते हैं. ठीक है, यहाँ पे ये देखिए आप टिप पे. मूवमेंट इन स्नेल्स टेक्स प्लेस बाय अ मस्कुलर ऑर्गन कॉल द फुट विच प्रोड्यूसेज अ स्लिमी फ्लूइड कॉल म्यूकस. अब इसमें मूवमेंट कैसे होता है, यहाँ पे ये देखिए, ये इसका माउथ हो गया, ये इसके स्मॉल टेंटिकल्स हो गया, ये लार्ज टेंटिकल हो गया विद एन आई जो लाइट में सेंसिटिव होते हैं, ये टेंटिकल्स हो गए इसके. ठीक है, ये देखिए वो कि स्मॉल टेंटिकल, ये लार्ज टेंटिकल, ये हो कि फुट हो गए. मूव स्नेल ओवर द ग्राउंड. ये जो है फुट, ये इसको ग्राउंड पे मूव करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, मूवमेंट स्नेल टेक्स प्लेस बाय अ मस्कुलर ऑर्गन कॉल द फुट. ये हैं विच प्रोड्यूसेज अ स्लिमी फ्लूइड. जो स्लिमी फ्लूइड प्रोड्यूस करता है ग्राउंड के ऊपर, जिसको म्यूकस बोलते हैं. When a snail has to move, जब स्नेल को मूव करना होता है, फूट के होते हैं वो शेल के बाहर आ जाते हैं
ओपनिंग, जो शेल में जो ओपनिंग है ये, इससे फूड इसके बाहर आ जाएंगे, ये म्यूकस छोड़ेंगे, इट प्रोड्यूसेस द म्यूकस सो दैट एनिमल जो है उसको एक स्मूथ सरफेस मिल जाएगा चलने के लिए या क्रॉल करने के लिए. द मस्कुलर फूड प्रोड्यूसेस अ सीरीज ऑफ वेव लाइक मूवमेंट्स दैट हेल्प द एनिमल टू मूव फॉरवर्ड. ये क्या करता है, ये जो है सीरीज ऑफ वेव लाइक मूवमेंट्स पास करेगा जो इस एनिमल को आगे बढ़ने में हेल्प करेगा. द शेल इज ड्रैग्ड अलॉन्ग विद द फूड, शेल जो है वो फूड से ही, फूड के साथ साथ ही ड्रैग होता है. ठीक है, शेल का वैसे कोई रोल नहीं है, शेल का रोल बस इतना, शेल नहीं हेल्प चलने में हेल्प करता है, शेल के अंदर ये स्नेल जो होगा वो शेल के अंदर होता है, उसके बाद जब वो चलेगा निकलेगा मूव करेगा पैर निकालेगा तो शेल बस वहाँ पे होता है, शेल साथ साथ इसके चलता रहेगा फूड के. ओके, नाउ कमिंग टू कॉकरोचेज. कॉकरोचेज डू नॉट हैव बोन्स, कॉकरोचेज के बोन्स नहीं होते हैं, दे बॉडी इज़ कवर्ड, उनकी बॉडी किससे कवर्ड होती है, हार्ड आउटर स्किन, उनकी स्किन बहुत मोटी होती है, बहुत आउटर स्केलेटन विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन कॉल्ड एक्सोस्केलेटन. ठीक है, इनकी क्या होती है, इनमें बोन्स नहीं होती है और इनकी जो बॉडी जो होती है कवर्ड होती है हार्ड आउटर स्केलेटन होता है, ढांचा जो होता है, दिस इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन, जिसका मीनिंग होता है स्केलेटन प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी. हम लोग में क्या होता है, स्केलेटन इनसाइड द बॉडी है, इनके में क्या होता है, स्केलेटन आउटसाइड द बॉडी होता है कॉकरोचेज में, मीनिंग स्केलेटन इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी. द आउटर स्केलेटन इज मेड ऑफ डिफरेंट यूनिट्स join together and it helps in movement. अब जिसका outer skeleton होता है ये different different body के parts का बना होता है, इसके cockroach के different joints होते हैं, different units को जब join करके जो उसके movement में help करते हैं. Now cockroaches walk भी करते हैं, क्लाइंब भी करते हैं और उड़ते भी हैं हवा में. दे हैव थ्री पेयर ऑफ लेग्स, कॉकरोच के क्या होते हैं, थ्री पेयर ऑफ लेग्स होते हैं जो उनको वॉक करने में हेल्प करते हैं. दे ऑल्सो हैव टू पेयर ऑफ विंग्स, उनके क्या होते हैं, उनके टू पेयर ऑफ विंग्स भी होते हैं जो उनके ब्रेस्ट मसल से जुड़े होते हैं, जो उनको फ्लाइंग में हेल्प, उड़ने में हेल्प करते हैं. नाउ यू कैन सी द हेल्प, सी द कॉकरोच हेयर, दे हैव थ्री पेयर ऑफ लेग्स एंड दे हैव टू पेयर ऑफ विंग्स. ओके, थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स भी हैं एंड टू पेयर्स ऑफ विंग्स भी हैं इनके. नाउ डू यू नो अबाउट द कॉकरोचेस, दीज आर इंसेक्ट्स विच कम आउट एट नाइट टू फीड देमसेल्व्स. कॉकरोचेस कौन से इंसेक्ट्स होते हैं जो रात में निकलते हैं अपना खाना लेने के लिए, ये बहुत तेज़ दौड़ते हैं और इनको फास्टेस्ट रनिंग इंसेक्ट्स, लैंग इंसेक्ट्स भी कहा जाता है कॉकरोचेस को. नाउ हियर वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द कॉकरोच. अ कॉकरोच कैन लिव फॉर अप टू वन वीक विदाउट इट्स हेड. कॉकरोच अपने सर के बगैर एक हफ्ते तक रह सकता है, उसका ब्रेन उसके दिमाग में नहीं होता है, ये उसकी पूरी बॉडी में, ब्रेन जो होता है वो उसकी पूरी बॉडी में होता है, उसके सर में दिमाग नहीं होता है. इट्स कैन रन अप टू 3 miles एन आर, ये एक घंटे में 3 miles चल सकता है. इट्स कैन लिव ऑलमोस्ट अ मंथ विदाउट फूड, ये एक महीना तक बिना खाने के रह सकता है. देन इट कैन होल्ड इट्स ब्रेथ, ये 40 मिनट तक अपनी सांस को रोके रह सकता है. ओके, नाउ लेट अस नो अबाउट द मूवमेंट ऑफ फिश. फिश वाटर में रहती है. टू अंडरस्टैंड हाउ मूवमेंट्स इन फिशेज आर इन वाटर आर कॉज्ड इन अ फिश, वी नीड टू ऑब्जर्व द शेप ऑफ अ फिश. अब हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि फिश का जो है मूवमेंट पानी में कैसा होता है, उससे पहले हमें ये ऑब्जर्व करना है कि फिश का शेप कैसा होता है. तो द शेप ऑफ अ फिश इज़ लाइक दैट ऑफ अ बोट, फिश का जो शेप होता है ये बोट के जैसा होता है. बोट क्या होता है, आगे से आपका मान लीजिए पतला हुआ, बीच से चौड़ा हुआ, फिर पीछे से पतला हो जाता है. ठीक है, इसको शेप को कहते हैं स्ट्रीम लाइन. ये जो शेप है आगे से पतला, बीच से मोटा, फिर पीछे से पतला नैरो, दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रीम लाइन बॉडी शेप. ओके, नाउ फिश का भी यही होता है. फिश ऑल्सो हैज़, फिश के फिन्स भी होते हैं जो इसको पानी में स्विम करने में हेल्प करते हैं. अब आपने बचपन में देखिए पेपर बोट्स भी बनाए होंगे और उनको आपने पानी में फ्लोट भी किया होगा, है ना. व्हाट वर योर ऑब्जर्वेशंस, डू यू रिमेंबर. ओके, लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 10.4 टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप इन मूवमेंट. सो व्हाट यू हैव टू डू, आजकल क्या है, आजकल बारिश का मौसम भी है, तो व्हाट यू हैव टू डू, आप 2 पेपर बोट्स बनाइए. पुश वन ऑफ द बोट्स इन वाटर विद द नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड द एंड द अदर बोट इन वाटर फ्रॉम द ब्रॉड साइड. ठीक है, अब आप क्या करो, आप एक काम करो, पानी को जो फिश को जो है बोट को जो है आप उसको आगे बढ़ाइए. जो आप उसमें क्या करेंगे, नैरो वाला जो एंड होगा उसको पॉइंटिंग फॉरवर्ड, उसको आगे फॉरवर्ड कर की तरफ
पॉइंट करेंगे, ठीक है। दूसरी बोट को जो है वो पीछे से आप ब्रॉड साइड से आप पुश करिए, फिर आप ऑब्जर्वेशन देखिए कि क्या होता है। व्हाट विल हैपन इन दिस केस, इन द फर्स्ट केस फॉरवर्ड मूवमेंट जो होगा आएगा, लेकिन सेकेंड केस में फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं आएगा। व्हाई? बिकॉज पहले वाले केस में आपने क्या किया है, आगे आपने नैरो पॉइंट, नैरो उसका शेप रखा हुआ है, ठीक है, जो स्ट्रीमलाइंड है, नैरो है, बीच से चौड़ा है, फिर पीछे से भी पतला है। लेकिन आपने सेकेंड केस में क्या किया, आपने सेकेंड मेड में क्या किया, उसको ब्रॉड साइड से उसको किया, तो इन दिस केस इट विल नॉट गो फॉरवर्ड। ओके, सो दिस एक्टिविटी यू कैन डू एट होम ऑल्सो। नाउ स्पेशल स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन फिश विच हेल्प इन स्विमिंग। स्पेशल स्ट्रक्चर्स फिश में जो होते हैं, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओके, जो उसको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। जे बिसाइड्स अ टेल, उसकी अगर पूछ होती है ये, और उसको क्या हेल्प करता है स्विमिंग में, उसके फिन्स और उसके फ्लेक्सिबल बैकबोन। ओके, तो स्केल्टन ऑफ द फिश जो होता है इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स। जो फिश का जो स्केल्टन होता है इट इज़ कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स। ओके, नाउ फिन्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी। फिन क्या करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और डायरेक्शन वाइल स्विमिंग, एंड उसकी बॉडी को प्रिवेंट करते हैं रोल होने से। फिन्स का क्या रोल होता है, वो स्टेबिलिटी लाते हैं और उस डायरेक्शन देते हैं वाइल स्विमिंग, स्विमिंग के दौरान, और बॉडी को प्रिवेंट करते हैं कि वो रोल ना हो जाए। दस फिश जो होती है वो प्रॉपरली स्विम ईजिली कर लेती है पानी में। अब स्विमिंग के दौरान वाइल स्विमिंग फॉरवर्ड मूवमेंट टेक्स प्लेस एज फॉलोज। अब स्विमिंग के दौरान ऐसा फॉरवर्ड मूवमेंट होगा, देखिए आप ऐसे होगा, मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट मूव टूवर्ड्स द अपोजिट साइड। अब ये देखिए आप, ये मूवमेंट है फिश में, मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट कर्व टू वन साइड। मसल्स जो होंगे वो फ्रंट पार्ट को एक तरफ कर्व कर देंगे और टेल पार्ट जो होगा वो दूसरे पार्ट को इधर कर देगा। फिश ऐसे 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 चलती है ना, ऐसे 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 चलती है ना, ऐसे 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 भी चलती है और ऐसे भी चलती है फिश। तो मसल्स क्या करेंगे, मसल्स फ्रंट पार्ट को कर्व करके एक तरफ ले आएंगे और टेल पार्ट जो होगा वो अपोजिट की तरफ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रंट बॉडी पार्ट एंड द टेल पार्ट क्विकली कर्व्ड द अदर साइड। अब फ्रंट बॉडी पार्ट जो होगा वो फिर इधर आ जाएगा, फिर टेल बॉडी पार्ट इधर आ जाएगा। ये देखिए, पहले फिश चली यहाँ से, ये ऐसे चली, ठीक, फिर इसका शेप ऐसे हो गया, तभी तो ये ऐसे 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 जाएगी ना, ये ऐसे 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 गई, ठीक। फिर ये इसने क्या किया, फिर ये ऐसे गई, फिर ये ऐसे गई, फिर ये ऐसे गई, जी ठीक है। तो इसका फ्रंट बॉडी पार्ट एंड द टेल बॉडी पार्ट क्विकली कर्व टू द अदर साइड, फिर ये क्विकली अदर साइड कर्व हो जाते हैं, ठीक है। ये मूवमेंट जो होता है ये बॉडी में जर्क लाता है, और जर्क लाएगा, झटका लाता है, जर्क मीन झटका, और बॉडी को आगे की तरफ पुश करता है फिश की। अ सीरीज ऑफ सच क्विक जर्क। अब ऐसे जो क्विक क्विक जर्क्स आते हैं इसकी बॉडी में, फिश की बॉडी में, जो इसको स्विम करने के लिए हेल्प करते हैं फॉरवर्ड की तरफ, ये जर्क्स होते हैं, इसमें जो जर्क्स आते हैं, ठीक है, इससे इसकी बॉडी आगे पुश हो जाती है, फॉरवर्ड हो जाती है। नाउ कमिंग टू द बर्ड्स, मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई इन द एयर। ज़्यादातर बर्ड्स जो होती हैं वो फ्लाई करती हैं एयर में और वॉक करती हैं ग्राउंड में, ठीक है ना। बट सम बर्ड्स लाइक डक्स, कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जैसे कि डक्स हैं, स्वैन्स, डक्स इज़ लाइक वॉट बतख, स्वैन्स इज़ वॉट सारस, दे कैन स्विम इन वाटर ऑल्सो। ओके, बर्ड्स कैन नॉट स्विम इन वाटर, बर्ड्स कैन फ्लाई इन एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड, बट देर आर सम बर्ड्स दोज कैन स्विम इन वाटर, जैसे कि डक्स एंड स्वैन्स, सारस। बर्ड्स के बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। ये क्या हैं फीचर्स, लेट्स सी। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज विच मेक्स इट ईजियर फॉर देम टू मूव इन एयर। इनका क्या होता है, इनका जो होता है स्ट्रीमलाइन बॉडीज होता है, लाइक अ फिश, आगे से पतला, पीछे बीच से चौड़ा और फिर पीछे से पतला, जो इनको हेल्प करता है फ्लाई करने में। ओके, देन बोन्स इनके हॉलो होते हैं, एकदम खोखले होते हैं, हल्के बोन्स होते हैं, एकदम हॉलो मीन्स खोखला, और बहुत हल्के लाइट होते हैं जो इनकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हल्का बना देते हैं। हल्के होंगे तभी तो उड़ पाएंगे, मोटे होंगे तो कहाँ उड़ पाएंगे हैवी। देन दे हैव विंग्स विद देयर फेदर्स, उनके विंग्स होते हैं, फेदर्स होते हैं। ओके, विंग्स के साथ साथ उनके फेदर्स भी होते हैं। अब फ्लैपिंग ऑफ विंग्स प्रोवाइड बोथ थ्रस्ट एंड लिफ्ट इन द एयर। अभी जो फ्लैपिंग होता है ना, जब ये उड़ते हैं, फ्लैपिंग इज उड़ते हैं जब ये, तो ये इसको थ्रस्ट देते हैं बॉडी को, ठीक है, और ये हवा में उड़ जाता है।
देन स्ट्रॉन्ग ब्रेस्ट मसल्स, इनके जो सीने के जो ब्रेस्ट मसल्स जो होते हैं ये इनको फ्लैपिंग ऑफ विंग्स में ड्यूरिंग फ्लाइट मतलब उड़ने में हेल्प करते हैं। जो इनके स्ट्रॉन्ग ब्रेस्ट मसल्स होते हैं दे हेल्प इन फ्लैपिंग। ओके, फ्लैपिंग मतलब क्या होता है आपका, फड़फड़ फड़फड़ जो उड़ते हैं ना ये फ्लैपिंग ऑफ विंग्स, विंग्स पर के ये फ्लाइट के दौरान, इनकी इनके उड़ने के दौरान इनके स्ट्रॉन्ग ब्रेस्ट मसल्स जो होते हैं ये इनको बहुत हेल्प करते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी हियर एमू एंड ऑस्ट्रिच। ये जो एमू है ऑस्ट्रिच है दे हैव स्मॉल विंग्स, इनके विंग्स बहुत छोटे होते हैं और फेदर्स इनके बहुत सारे होते हैं, ठीक है। देन पेंगुइन्स में क्या होता है, इन केस ऑफ पेंगुइन्स विंग्स जो मॉडिफाई होते हैं ये पैडल्स के फॉर्म में, ये देखिए ये पैडल्स के फॉर्म में इनके विंग्स मॉडिफाइड हैं जो इनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। पेंगुइन्स कैन ईजिली स्विम इन वाटर बिकॉज दे हैव दीज टाइप ऑफ पैडल्स विच हेल्प देम इन स्विमिंग। ओके, now coming to snakes, now coming to the bodies of snake, bodies of snakes show the following features, iske following features hote hain, they have a long backbone, inka backbone bahut lamba hota hai as the kyunki inki body bhi lambi hoti hai, इनमें थिन मसल्स होते हैं, बहुत सारे थिन मसल्स होते हैं जो ईच अदर से कनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और मसल्स हाउ एवर आर फार फ्रॉम ईच अदर, मसल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं। ओके, बट दे आर कनेक्टेड, मसल्स आर ऑल्सो कनेक्टेड टू द बैकबोन, मसल्स जो होते हैं वो इसके बैकबोन से भी कनेक्टेड होते हैं, रिब से भी और स्किन से भी। ओके, देन स्नेक्स मूव वेरी फास्ट बाय क्रॉलिंग ऑन देयर बेलीज, स्नेक्स अपने पेट के बल पे ना, बेलीज के पेट के बल पे बहुत जल्दी जल्दी क्रॉल करके चले जाते हैं। स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्केल्स उनके क्रॉल ऑन देयर बेलीज, अब ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उनके बॉडी पे जो होते हैं दे आर कॉल्ड स्केल्स सी हियर, ये जो इनकी बॉडी पे जो स्केल्स हैं दीज आर कॉल्ड स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन देयर बॉडीज़, ये उनकी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, दीज स्केल्स हेल्प देम इन क्रॉलिंग, ये हेल्प स्केल्स जो होते हैं ये हेल्प करते हैं उनको क्रॉल करने में। अब मूवमेंट के दौरान क्या होता है, बॉडी जो होती है बहुत सारे लूप्स में कर्व होती है, बॉडी कर्व्स इनटू मेनी लूप्स, ईच लूप जो होता है, हर एक लूप जो होता है वो स्नेक को एक फॉरवर्ड पुश देता है बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, ये अगेंस्ट द ग्राउंड पुश करके आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है, वो आगे बढ़ रहा है, हर जो लूप है वो स्नेक को एक फॉरवर्ड पुश देता है ऐसे करके बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, वो ग्राउंड की तरफ घिस घिस के ऐसे ग्राउंड के अगेंस्ट, ठीक है, ग्राउंड वो आगे बढ़ रहे हैं ग्राउंड पीछे रह रहा है, ठीक है, वो उसको ग्राउंड के अगेंस्ट पुश करते हैं। नाउ बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सेवरल लूप्स, अब क्योंकि ये सेवरल लूप्स फॉर्म हो रहे हैं, थ्रस्ट क्या होता है, जो लूप्स जो उसको थ्रस्ट देते हैं वो स्नेक को अलाउ करते हैं आगे बढ़ने के लिए बहुत ही जल्दी जल्दी, वेव लाइक मैनर, ऐसे 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 वेव, ऐसे 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 ना चलता है। स्नेक्स डू नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, स्नेक कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगा, स्नेक ऐसे 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 ही चलता है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारे लूप्स बनते हैं, जो ये लूप्स बनते हैं यही जो है स्नेक को लूप्स मूवमेंट देते हैं फॉरवर्ड बढ़ने के लिए वेरी फास्ट, ठीक है, क्योंकि उसकी बॉडी में उसके चलने में वो लूप्स बन रहे हैं, जो लूप्स बन रहे हैं तभी वो ऐसे ऐसे रेंगता हुआ चलता है, रेंगता है, क्रॉल इज वॉट रेंगना, सांप रेंगता है ना, ठीक है। So this was all about the movement in animals.